जब स्किन केयर की बात आती है तो स्किन का पूरा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि दिन में तो हम स्किन की बहुत अच्छे से केयर कर लेते हैं, बट रात में यदि हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे या कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिससे कि हमारी स्किन ख़राब हो सकती है, तो इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ वही बातें शेयर कर रही हूँ कि किन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए रात के सोते टाइम, और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, फ्रेश, हाइड्रेटेड और फ्लॉलेस बने, साथ ही साथ जो हमारे स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे लाइटन अप होते जाएँ और न्यू पिम्पल्स ना आए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ नाइट स्किन केयर में और ध्यान रखने वाली कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, फ्रेश और हाइड्रेटेड बनी रहेगी। नंबर वन फ्रेंड्स, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने तकिए के कवर को वीक में एक बार ज़रूर चेंज करना है। आप चाहें तो उससे कम डेज में, जैसे 2 से 3 दिन में भी आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट कम से कम वीक में एक बार चेंज ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग जहाँ तकिए के ऊपर सिर रख के सोते हैं तो हमारे सिर के बाल, हमारे स्किन से निकलने वाला जो ऑयल वगैरह है, जो पसीना है, वो उसी पर जमा होता चला जाता है और जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह बनने लगते हैं, जिससे हम यदि उसी पर सोते जाएंगे तो हमारे स्किन में पिंपल्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% तक ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा रिसर्च के अनुसार प्रूव किया गया है। तो आपको क्या करना है, कम से कम वीक में एक बार अपने तकिए के कवर को ज़रूर चेंज कर दे। नंबर टू, नाइट स्किन केयर में आप रात में भले ही अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाना ना भूलते होंगे, बट हो सकता है आप अपने लिप्स को नज़रअंदाज कर दें। सोने से पहले अपने लिप्स पर कोई भी ऐसा लिप बाम ज़रूर अप्लाई करें जिससे कि आपके लिप्स रात भर मॉइस्चराइज हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स जो लिप्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पतली और नाजुक होती है। और सेकेंड थिंग ये होती है कि जो लिप्स होते हैं उनमें कोई भी ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स नहीं होती है जिससे कि उस पर ऑयल आ सके और वो मॉइस्चराइज हो सके। तो आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा लिप बाम अपने लिप्स पर सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करना है जिससे कि आपके लिप्स रात भर मॉइस्चराइज हो सके, साथ ही साथ आप अपने लिप्स की जो नमी होती है, जो उसकी सॉफ्टनेस होती है, वो उसको हमेशा आप बरकरार रखना चाहते हैं। तो आप रात को सोते समय अपने नाभि पर कोई भी ऑयल, वो चाहे कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, कोई भी ऑयल अपने नाभि पर ज़रूर लगाएं ताकि आपके लिप्स हमेशा सॉफ्ट बने रहें। नंबर थ्री, आपको यकीन हो या ना हो बट फ्रेश और यूथफुल स्किन के लिए कंप्लीट स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उनकी जो स्किन होती है वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाती है और साथ ही साथ उन्हें पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन और इसके अलावा फाइन लाइन्स, ये सभी बहुत जल्दी होते हैं। तो आप नींद में कभी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि एक रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो लोग कंप्लीट स्लीप नहीं ले पाते हैं, कंप्लीट नींद नहीं ले पाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और साथ ही साथ उन्हें पिंपल्स, फेस पर सूजन और बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती रहती है, साथ ही साथ उनकी स्किन धीरे धीरे डल होती जाती है। तो कभी भी अपनी नींद में कंजूसी ना करें। नंबर फोर फ्रेंड्स, यदि आप किसी एंटी एजिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ करने से पहले या उसे परचेस करने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स में रेटिनॉल मेंशन है या नहीं है, क्योंकि यदि किसी एंटी एजिंग क्रीम में रेटिनॉल इंक्लूडेड नहीं है, उसको बनाते टाइम उसमें रेटिनॉल नहीं मिलाया गया है, तो आपके लिए वो एंटी एजिंग का वर्क नहीं करेगी। वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकती है, उसे स्पॉटलेस बना सकती है, उसे शाइनियर बना सकती है, बट एंटी एजिंग का वर्क वो नहीं करेगी जब तक कि उसमें रेटिनॉल इंक्लूड नहीं किया गया हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी एंटी एजिंग क्रीम को परचेस करने से पहले या उसे यूज़ करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें उसके इन्ग्रेडियंट्स में रेटिनॉल मैंशन किया गया है या नहीं, तभी वह आपके लिए एंटी एजिंग का वर्क करेगी। नंबर फाइव फ्रेंड्स, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहाते हैं और उसी के बाद सोते हैं, बट आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर से आपको नहाना है, इट मीन्स गुनगुने पानी से नहाना है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, वो चाहे मौसम कोई भी हो, बट ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट और ड्राई बना सकता है। तो आपको नहाने के दौरान इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप
का जो आप जिस पानी का यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आपकी स्किन ड्राई है तो नहाने के तुरंत बाद कोई भी बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पर पूरी स्किन पर ज़रूर अप्लाई कर लें ताकि आपकी स्किन ओवर ड्राई ना बने। नंबर 6, रात को सोने से पहले अपने फेस को ज़रूर वॉश करें, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं हैं या हमने तो मेकअप किया ही नहीं है तो हम अपने फेस को वॉश क्यों करें। बट सोने से पहले अपने फेस को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर करती है, अपने आप को हील करती है, जिससे कि वो और ज़्यादा फ्रेश और नरिश्ड हो सके। तो सोने से पहले अपने फेस को ज़रूर वॉश करें, क्योंकि यदि आप अपने फेस को वॉश नहीं करोगे तो उस पर जमी गंदगी साथ ही साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पिंपल्स होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप चाहे मेकअप करती हों ना करती हों, कहीं बाहर गए हों ना गए हों, बट आपको सोने से पहले अपने फेस को वॉश ज़रूर करना है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश, ग्लोइंग, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, हेल्दी और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो रखिए इन सभी बातों का ध्यान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।